सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप अपने एरिया का एओ कोड, जिसको एसेसिंग भी कहा जाता है, जो कि आपके जिले या शहर का एरिया कोड होता है, उसको कैसे आप जान सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप से। हिंदी में इसे आकलन अधिकारी कहते हैं और एओ कोड आपके जिले का वह एरिया कोड होता है जिसे एसेसिंग ऑफिसर द्वारा आयकर निर्धारण के लिए चिन्हित किया गया होता है। उसको आप कैसे आप जान सकते हैं, इस वीडियो में हम फुल प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर में आ जाइए और यहाँ पे सर्च बार में ई फाइलिंग को टाइप करना है कि जैसे देखिए सेकंड वाला ई फाइलिंग, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और इसकी फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे, जो कि ई फाइलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आप अपने अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते। अगर अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो उसको जाके इस पोर्टल के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। और इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। वहां पे जाके आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने एरिया का एओ कोड कैसे पता कर सकते हैं। तो सिंपली आप ई फाइलिंग वाले पोर्टल पे आ जाइए और यहाँ पे आपको होम वाले बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा क्विक लिंक्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ई वेरीफाई रिटर्न लिंक, आधार स्टेटस लिंक, आधार इनकम टैक्स रिटर्न, ITR स्टेटस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आप अपने एरिया का एओ कोड कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे से देखिए दूसरे नंबर पे है नो योर एओ, ठीक। यहाँ पे देखिए सिंपली लिखा हुआ नीचे से दूसरे नंबर पे नो योर एओ, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको ये रिसेंड कर दिया है। यहाँ पे तीन स्टेप दिखाया गया है, जो कि पहला है इंटर डिटेल्स, दूसरा है वेरिफिकेशन और तीसरा है एओ डिटेल्स। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं और यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है आपका पैन नंबर, तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए मैं अपना पैन नंबर यहाँ पे रिफिल कर देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड से लिंक होगा, क्योंकि उस पर OTP आएगा। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि आपके मोबाइल पर OTP जाएगा 6 डिजिट का, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। हमारी OTP आ गई है, जो कि हमने रिफिल कर दिया। उसके बाद OTP रिफिल करने के बाद आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैलिडेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी बेसिक डिटेल्स है, जो कि हमारे ये पैन नंबर है, हमारा ये नाम है और यह हमारा इंडियन सिटीजन यस है। उसके बाद स्टेटस हमारा दे रहा है एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए अपने एरिया का एरिया कोड है लखनऊ, इसमें दिखा रहा है एओ टाइप है W और रेंज कोड है 20 और एओ नंबर 3 है। यहाँ पे टैक्स पेयर भी दिया गया है, बिल्डिंग नेम दिया गया है, जिस जगह पे हमारा एओ ऑफिस है और हमारा एओ ऑफिस का ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन हुआ है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।